वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा सैर। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे थे सैरी से। सैरी में हमने फ्रूट्स खा के हमारी तो सैरी डन हो चुकी थी। तो जी बाकी घर वालों की सैरी तो हमने दिखाई नहीं, और ये हमारे जी शान की सैरी में उसको ना पता नहीं क्या मसला है भाई, वो कुछ नहीं खाता। उसको चिकन नहीं खाना, ये भी नहीं खाना, वो तो अम्मी ने उसको आलू बना दिए, सबसे लास्ट में वही खा रहा था। बस अम्मी लोगों ने चाय पी नहीं थी। तो ये थे हम लोगों की सैरी। सैरी में हमने अपना ही फ्रूट नहीं दिखाया। खैर कोई नहीं, क्या है, हमने फ्रूट में स्ट्रॉबेरी खाई थी बस, और हम उसी से खुश हो गए, खजूरें वगैरह खा दे बस। हमारी सहरी इतनी सी ही होती है, ये कुछ खाना हो तो भूखो तो तब भी खाते हैं। खैर उसके बाद हम आपको दिखा रहे थे अपने जो हमने दिन भर किया। तो ये जी हम आपको अपने कैब से खा रहे थे, और हमारी अम्मी इस्लामाबाद ये थी। हमने उनसे कहा अम्मी हमारे लिए कैब लेके आई गई हिजाब वाली, ये उठा के ले। कह रही हैं बेटे ये हमें ज़्यादा पसंद है। हमने कह रहे अब अम्मी हैं तो ले ही हैं, तो हम यही कभी कभी यूज़ कर लेंगे, लेकिन अभी तक हमने यूज़ की नहीं। उसके बाद हमने ये अपना मेकअप निकाला है, बिल्कुल न्यू हुआ है, हमने यूज़ नहीं किया। तो हमेशा सबकी मदद करते रहने चाहिए। जो चीज़ ना आपको लगता है कि आप यूज़ नहीं करते और अच्छी है तो वही आप भी, ये नहीं आपने बेकार चीज़ें उठा के सबको देने दी। ऐसा भी अल्लाह नाराज़ होता है, जो आपको पर्सनली चीज़ें पसंद हो लेकिन आप यूज़ नहीं कर रहे आप वो, तो फिर आप दे दें। और ऐसा भी होता है कि आपको जो चीज़ पसंद है वो भी आप दे सकते हैं, ये नहीं कि जो नहीं यूज़ कर रहे वही दें। तो हमें भी इसमें ये लिपस्टिक के कुछ कलर पसंद थे लेकिन हमने नहीं यूज़ किया, तो हमने कहा हम किसी की हेल्प कर देनी चाहिए। अपने पास वो चीज़ें क्यों रखें, मतलब जो आपके पड़ी हैं और आप यूज़ नहीं कर सकते, आपकी भी ज़ाया जानी और किसी और के काम भी नहीं आए। तो खैर उसमें फाउंडेशन था, ये बीबी क्रीम थी, ब्लीच लिपस्टिक, मस्कारा, और ये एक लैब लिपस्टिक थी, रोज़ वाटर। तो ये हम यूज़ नहीं कर रहे थे, मतलब कि इनको आए कुछ मंथ हो चुके हैं, तो हमने कहा चलो भाई ईद आ रही है तो किसी को दे देने चाहिए। तो ये हम इसलिए नहीं दिखा रहे थे कि हम इसलिए दिखा रहे हैं कि हमारे पास चीज़ें हम लोगों को दे रहे हैं, हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोगों को भी चीज़ें देते रहना चाहिए। अल्लाह नाराज़ होता है कि आपके पास एक चीज़ हो और आप उसको यूज़ ना कर रहे हो, और आपके पास हो और आप डस्टबिन में फेंक दो, साया कर दो, तो बेहतर ये है कि आप किसी की हेल्प कर दो। ये तो उस पर हम आपको दिखाए थे। फिर उसके बाद हमारी ये क्या कहते हैं ज्वेली थी, जिसमें हमने चार सेलेक्ट की, ये भी पसंद है, इसके अलावा हमें पसंद है, इसके अलावा हमारे घर बच्ची आई थी, कहती है आप सब कुछ दिखा रही हो, इतना प्यारा कैचर इन दिखा। हमने कहा चलो जी आप रखो, हम उसकी वीडियो बनाए थे। फिर हमने उसकी वीडियो बनाई, और उसके बाद हमने अपनी नेल पॉलिश निकाल ली। उस दिन भी हमने काफ़ी नेल पॉलिश ऐसे करे थे, हमने कहा कि हमें नहीं चाहिए, हमने निकाल दी। फिर आज ना बैठे बैठे हमें फिर हुआ कि नहीं ये तो काफ़ी ज़्यादा है, हम यूज़ नहीं कर रहे, तो हमने क्यों पास रखनी। तो फिर हमने कहा हम कुछ ऐसे कलर सेलेक्ट करें थे, फिर जब हमें चाहिए होंगी तो हम खुद जाकर बाज़ार से दोबारा ले लेंगे, अब हमें नहीं यूज़ कर सकते। खैर ये हमारी वो पॉलिसी जो मेरे सबसे ज़्यादा पसंद है, हमारी यूके से आई थी, पूरा बॉक्स आया था, हमने सबको दे दी, फिर अब हम यूज़ नहीं करते थे। तो फिर जी जब हमने इसको यूज़ किया, हम इतने बड़े फ़ैन हुए। उसके बाद नेल पॉलिश ना हम नमाज़ पढ़ते रात को सो गए सुबह तक, और फिर ये टाइम ज़्यादा होता, फिर सुबह से जोहर तक हम नेल पॉलिश लगाते हैं। अब तो हमारा कॉलेज भी हो, इतना हम बिज़ी होते मतलब कि एक सारा टाइम ही मिलता है नेल पॉलिश को, कभी कभार तो लगा ही लेते हैं। खैर उसके बाद हमारे पास ये हमारा सूट था, और हमने अपने सूट को सबसे पहले लाते ही निकाला, और हम देखा हमारा सूट पर निकाल के इसमें ना हमने अपनी चीज़ें सेट करी। पीछे से अम्मी कह रही थी बेटा तुम्हारे कब ये काम से हो, तो मैं बॉक्स ला के दिया तुम उस पर रखो। हमने कहा नहीं, तो इसमें हमने ऐसी चीज़ें रखी जो सिर्फ हम यूज़ करते हैं, कहीं भी जाना हो तो हम वही निकाल। हमारे पास मेकअप बहुत ज़्यादा है, किसी दिन हम आपसे बहुत भी शेयर कर देंगे बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये ऐसा है कि एक छोटू सा बैग हम इसके ऊपर से पकड़ने वाले थे, इसलिए मैं चला छोटू सा बैग था, तो हमने इसमें का फाउंडेशन और पाउडर वगैरह जो था हमने इसमें सेट कर दिया। जाना कहीं भी जाना तो निकाल, जब सब में से चीज़ें निकालना हमें बहुत मुश्किल लगता। तो खैर ही उसके बाद ही हमने कहा कि अब अफ्तारी का टाइम है, तो हम कुछ अफ्तारी में बना लेते। उसके बाद हम अच्छे बच्चों की तरह आए, थोड़े से पकौड़े बनाए, और फिर उसके बाद हम उठ के चले गए, क्योंकि हमारी अम्मी ने हमें कहा चलो बेटा तुम्हारी तबीयत ही बहुत थकी, उठ के चले जाओ। हमने कहा बस ही, हमने वैसे सोचा था इंशाल्लाह हम इस रमज़ान बहुत कुछ सीखेंगे, घर के कामों में हमें बहुत कुछ सीखना है, आता तो है लेकिन हमें फिर भी बहुत कुछ सीखना है, वो गद्दारी की पता नहीं क्या होती है वो भी हमें सीखना है। खैर उसके बाद हमने फिर फ्रूट काटना था, और फ्रूट हमने पहले ही वीडियो बनाया, हम सोचा था लास्ट में बनाए के लिए, और फिर हम इतने बेवकूफ़ हम फिर भी भूल, ये हमारे ना मसला होता है अचानक से करने वाला काम, वैसे हमें बातें नहीं भूलती, करने वाला काम हमेशा भूल जाते हैं। उसके बाद ईशान हमारे लिए स्ट्रॉबेरी लेकर आया था, बहुत अच्छे भाइयों की तरह कहता है कि नहीं सबके फ्रेंड फ्रूट ला रहे हैं, तो मैंगो उसको मिल नहीं रहे थे पास से, तो फिर वो कह रहे थे चल स्ट्रॉबेरी मिले ले आया, तो हमने कहा चलो अच्छी बात है, और हमने इतनी रखी जितनी हम खा सकते थे, हमारे घर में एक आधा कोई खा ले तो खा ले, बाकी सारी हमारे से मियानी है। तो जी उसके बाद हमने ये चीनी और मशीरे को मिक्स करके रखा है इसमें, पर हमने इसमें ना नींबू वगैरह डाल के इसको चक में शिफ्ट करना, बस ये काम भी हमारा फ्रूट काटना था वो हमने किया।
और उसके बाद हम नाबुद है बोतल, मतलब इतने रमज़ान गुजर गए, हमारी इतनी कोशिश थी कि इस बार ना हम ज़्यादा बोतल नहीं पीते, बस ज़रूरत मतलब कहीं गए तो पी ली, बहुत कम पिए। लेकिन हमारा भाई कहता है नहीं, मेरी बहन क्यों नहीं पीएगी, फिर मम्मी भी साथ गर्म पकौड़े बना के लिए ठंडी बोतल उसने ला कर, कहता है नहीं नहीं हम लोग चाय पीते हैं, तुम्हें तो पीनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है वैसा भी नहीं है। तो हमारी लाडली बहन हो इतना खुश हमें प्यार से इतना हमें प्यार से समझाया कि पी लो पी लो, और ये नहीं आई है तो ये इसमें पुदीने वाला टेस्ट है तो हमने नहीं पी थी, बाकी हमने सारी बोतलें बेताशा, हमने पिछला रमज़ान तो हमने बोतलों में गुजारा हो जैसे। लेकिन इस साल फिर हमने कहा चलो अब कह रहे तो एक गिलास पी लेना चाहिए, वैसे हमने सोचा था इस रमज़ान हम घर में नहीं पियेंगे, कोशिश हमारी होगी, लेकिन फिर पीनी पड़ी। उसके बाद हम गए, रात का टाइम था, फिर हमने अपने सूट वगैरह खोले और उसमें इतने कपड़े भाई हद हो गई, मतलब हमारे पास इतने सूट हैं हम सोचते रह जाते। फिर हमने उसमें से कुछ अनस्टिच निकाले को स्टिच, और फिर मम्मी को मनाशना कुछ कर ही देना था। फिर जी ये हमें जो सूट देखा ना, मतलब हमारा पिछला सूट अनस्टिच हमने नहीं पहना, और जीशान का अनस्टिच सूट पर हमारी खुशी के इंतहा न रही, मतलब कि ठीक है पिछली बार हमने सोचा था आप ही साथ मैचिंग करें ना हो सके, फिर जिनके साथ सोचा था उनके साथ बिल्कुल ही ना हो सके, मतलब कि इतना कुछ चल रहा है। हमने कहा जीशान को नहीं बताते कि उसका ये सूट हमारे साथ मैच हो रहा है, तो हम उसको सरप्राइज़ दे देंगे, सिलाई करवाएंगे और फिर उसके साथ कभी भी पहन लेंगे ताकि हमारे साथ वो सूट ही पहन ले। तो जी हमने ये सोच लिया क्योंकि ऐसा हो रहा है कि हमारे साथ जो हम सोच रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहा, अजीब अजीब ही हो रहा है, अच्छा हो रहा है लेकिन वैसा नहीं हो रहा ना जैसे हम सोचते हैं। खैर उसके बाद हमने सारी चीज़ों को सेट कर दिया, बस हम बहुत ज़्यादा थके थे तो हम नीचे आए, फिर हमने उसके बाद बाबा कहते कुछ खा लो, हमने खाने में से मीठा ही चूज़ किया क्योंकि हमें मीठे के शौकीन, तो हमने थोड़ी सी खाई और हमें फिर रख दिया, हमने कहा बस अब बहुत हो गया। तो यही थी हमारे पूरे दिन की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।